दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कर्क लव राशि फल नवंबर दिसंबर 2023। कर्क राशि वालों, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी रिलेशनशिप की स्थिति नवंबर दिसंबर 2023 के लास्ट दो महीने किस प्रकार के निकलेंगे, किस प्रकार की स्थिति रहेगी, आइए जानते हैं। सबसे पहले वो नए दर्शक जो हमारी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, उनकी जानकारी के लिए बता दें, हमारा राशिफल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है, उसी के अनुसार इस राशिफल को देखें बस उन्हें। अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम वाली राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें, आपके लिए बहुत सारी स्थितियां बहुत ज़्यादा जाननी जरूरी हैं नवंबर दिसंबर की। अक्टूबर 30 अक्टूबर 2023 को राहु जो कि आपके नवम भाव में आ चुके हैं, ये जानकारी आपके लिए बहुत जानना जरूरी है कि आपको किस तरीके से अब परेशानियां होने वाली हैं और नवंबर दिसंबर की स्थिति किस प्रकार की रहेगी, क्या राहु आपके लिए अच्छा कर सकता है और क्या बुरा कर सकता है। उसके साथ साथ आपको जानकारी ये भी देंगे कि जो चार ग्रह नवंबर दिसंबर में परिवर्तन करने वाले हैं, सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र, वो किस प्रकार से आपके जीवन में परिवर्तन करेंगे और पूरे 8 ग्रहों का समीकरण क्या बैठता है, लास्ट में आपको बताएंगे किस प्रकार की स्थिति रहने वाली है। अगर आप सिंगल हैं तो क्या स्थिति रहेगी, लव लाइफ की क्या स्थिति रहेगी, नो कॉन्टैक्ट में तो क्या स्थिति रहेगी, मैरिड लाइफ की क्या स्थिति रहेगी और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की क्या स्थिति रहेगी, विस्तार से बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक जानकारी और दे दें आपको कि वीडियो के लास्ट में हम तीन राशियों के नाम भी बताते हैं जो कि जो पुराने दर्शकों ने पता है, अगर उन तीन राशियों में से किसी एक राशि का पार्टनर आपका होता है तो आपके लिए ये महीने, दोनों महीने लकी बन जाएंगे और 2024 का लव राशिफल भी हम बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं। तो अगर आपको देखना है और आपको लगता है कि आपको देखना चाहिए अपनी लव लाइफ के लिए बहुत सटीक जानकारी के साथ में, आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको वो वीडियोस जल्दी नहीं मिल पाएंगी। हालांकि अगर आपने हमारी वीडियो देखी है तो आपको ज़रूर मिलेगी, वो वीडियो आपसे चूकेगी नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप सचेत रहेंगे, थोड़ा जागरूक रहेंगे तो आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए जिससे आपको वीडियो मिल जाए, ना तो इससे कोई दिक्कत होगी। देखो हाँ, एक दिक्कत होती है लोगों को ये दिक्कत होती है कि नोटिफिकेशन बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि बहुत सारे तमाम चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो फ़ोन में नोटिफिकेशन भर जाते हैं, इसलिए सब्सक्राइब नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं चाहिए, आपको बस वीडियो मिल जाए, तो उसके लिए आप केवल सब्सक्राइब बटन दबा लीजिए, नोटिफिकेशन बटन न दबाइए। अगर आपको लगता है कि नोटिफिकेशन से आप परेशान हो जाते हैं तो आप नोटिफिकेशन मत दबाइए, उसी व्यक्ति का चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन दबाया कीजिए जिसकी वीडियो को आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। लेकिन आपको बस ये लगता है कि एस्ट्रोलॉजर अतुल त्रिपाठी की वीडियो आएगी लव राशि फल की तो वो बस हमें मिल जाए, जल्दी मिल जाए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, जब यूट्यूब खोलें स्क्रॉल करें तो एक दो स्क्रॉल में ही मिल जाए, तो आप केवल सब्सक्राइब बटन दबा लीजिए, उससे भी आपको मिल जाएगी, ये आपकी भले की बात है। और हमारी भलाई तो इसमें ही है कि आप नोटिफिकेशन दबाइए, लेकिन आपके फ़ायदे की बात मैंने आपको बता दी। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार की स्थिति आपके लिए रहने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो लोग सिंगल हैं उनकी। अब देखा जाए तो यहाँ पर आपके लिए सीधा राहु का संबंध तृतीय भाव से बन गया और इसमें आपको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि नवंबर में बहुत ज़्यादा शुक्र की स्थिति भी खराब है तो परेशानियाँ तो नवंबर में बहुत ज़्यादा होने वाली हैं राहु की वजह से और नवंबर में शुक्र नीच के होने की वजह से। उसमें नवंबर में क्या होगा कि आपको अगर कोई व्यक्ति पसंद आया तो वो आपको दोस्त बनाना भी स्वीकार नहीं करेगा, आप पर भरोसा ही नहीं कर पाएगा। दूसरी बात ये भी है कि आप ही भरोसा ना कर पाएं उस पर, ये भी हो सकता है। स्थितियाँ ये भी कहती हैं कि आपके द्वितीय जो हैं वो भी स्थिति बहुत अच्छी उनकी नहीं रहेगी, खास करके 16 नवंबर तक, उसके बाद में भी वृश्चिक के रहेंगे तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। इससे क्या होगा कि आपके जिस व्यक्ति से आप दोस्ती करना चाहेंगे, पसंद आएंगे, बट नवंबर में तो बात नहीं बनेगी, नवंबर के बाद में दिसंबर आएगा, दिसंबर से स्थितियाँ थोड़ी सी ऐसी बन जाएंगे कि जिसमें आपसे लोग अट्रैक्ट होंगे या जो आप कहीं ना कहीं उस व्यक्ति से अट्रैक्ट हों या किसी को आप प्रपोज करें तो वो आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर ले। लेकिन आप एक बात यकीन मानिए कि राहु ये ऐसा करवा देगा कि आप लोगों से ज़्यादा आकर्षित होंगे, आप लोगों पे ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे और आप लोगों के प्यार में ज़्यादा दीवाने होंगे, ये कहीं ना कहीं स्थिति बनेगी। आप भरोसा भले ही ना करें उस व्यक्ति पर, आपको एक सा कन्फ्यूजन बना रहे, लेकिन फिर भी दीवाने होते रहेंगे, फिर भी उसके पीछे पगलाएंगे, तो स्थिति यहाँ पर आपके लिए घातक है।
सावधानी आपको ज़रूरी है, लोग आपसे अट्रैक्ट हों, लोग आपको एक बार पूछें और आप हाँ कर दें, वो स्थिति कहीं ना कहीं बन सकती है। तो आप कोशिश करिएगा कि किसी भी प्रकार से आप गलत निर्णय न लें, किसी गलत व्यक्ति के चक्कर में न पड़ें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा गया है कि ज़्यादातर लोग गलत निर्णय लेते हैं, गलत व्यक्ति के साथ प्यार में पड़ जाते हैं और वो फिर कोई उस प्यार का कोई फ्यूचर नहीं होता है। और ज़रूरी भी नहीं है कि हमेशा जब हम प्यार करते कोई फ्यूचर हो ही जाए, क्योंकि हर किसी के नसीब में नहीं होता है कि फ्यूचर हो ही जाए। लेकिन फिर भी आप अगर ये चाहते हैं कि आपको धोखा ना खाना पड़े, आपको कोई आपको किसी भी तरीके से यूज ना कर सके, तो आपको मेरे हिसाब से खास करके नवंबर दिसंबर में किसी भी नए व्यक्ति से प्यार में नहीं पड़ना है। अगर एक तरफा प्यार बहुत समय से करते हैं और वो व्यक्ति आपको नवंबर में हाँ कर देता है, तो आप बिल्कुल भी उस व्यक्ति को मत अपनाइए, उसके चक्कर में मत जाइए। वो आपके लिए भले ही उसकी मनसा गलत ना हो, आपको लेकर के बहुत अच्छा व्यक्ति हो, लेकिन वो एक वक्त पे आपके लिए बुरा ही साबित होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। अब अगर हम बात करते हैं उनकी जो लव लाइफ में ऑलरेडी हैं, उनकी स्थिति यहाँ से ख़राब होनी स्टार्ट होगी। हालांकि नवंबर में एकदम से ख़राब नहीं होगी, नवंबर में आप बहुत ज़्यादा फिजिकल होंगे, बहुत ज़्यादा मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी और आप उसके प्यार में बहुत पागल हो जाएंगे। हालांकि स्थितियाँ बहुत इमोशनल आप हो ही चुके हैं, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन अब उसको लेकर के आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि उसकी बुरी हरकतें, गंदी आदतें और लड़ाई झगड़े, कहीं ना कहीं आपके ऊपर हाथ उठाना, उस तरीके की स्थितियाँ आप देखेंगे। बहुत ज़्यादा बदतमीजी वाली बातें, आक्रोश में आना, गुस्सा बहुत ज़्यादा आना, बहुत सारी कमियाँ आपको नज़र आ रही हैं और आएंगी भी। तो आप नवंबर में ये देखेंगे कि स्थितियाँ बहुत अच्छी बन रही हैं, यानी कि बहुत लगाव, बहुत प्रेम आपका बढ़ रहा है उसके प्रति और मेल मिलाप भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। और दिसंबर आपके लिए और ज़्यादा ऐसा लगेगा कि आपको सब कुछ जो है इसी व्यक्ति से मिल सकता है, बस ये व्यक्ति बिहेवियर वो ख़राब कर रहा है, तो उससे थोड़ा कन्फ्यूजन, नेगेटिविटी हो रही है। लेकिन आप ये देखिए कि आपको अचानक से तो ब्रेकअप नहीं हो जाएगा, लेकिन लव लाइफ में अगर बहुत पुराना रिलेशनशिप है तो आप दिसंबर में ज़्यादातर देखेंगे कि कोई थर्ड पार्टी प्रॉब्लम आ गई है, कोई थर्ड पर्सन, और ख़ास करके ये 27 दिसंबर के लास्ट में, मतलब लास्ट टाइम पर ही ऐसा होगा जहाँ थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम आ रही है और आपका पार्टनर जो है वो किसी व्यक्ति से अट्रैक्ट है। हालांकि यहाँ पर 24 दिसंबर से ही स्थितियाँ ऐसी बनने लगेंगी कि आप ये लगेगा आपको कोई ना कोई थर्ड पार्टी है और वो थर्ड पार्टी वाली प्रॉब्लम होगी। फिर जब आगे हम आपको 2024 का राशिफल बताएंगे, उसमें आपको बहुत खास तरीके से बताएंगे कि आपकी लाइफ में क्या फ्यूचर होने वाला है आपकी लव लाइफ का। लेकिन आप ज़्यादातर ये मान के चलिए कि नवंबर दिसंबर आपके लिए, अगर आठों ग्रहों को मिलाकर के मैं आपको बताऊं, चंद्रमा को छोड़कर के, क्योंकि चंद्रमा के आधार पर हम दैनिक लव राशिफल देते हैं, रोजाना का लव लाइफ बताते हैं, उसे आप जरूर देखा कीजिए। लेकिन इसमें जो अगर आठों ग्रहों के समीकरण से मैं आपको बताऊं, तो आपके लिए नवंबर बहुत ज़्यादा आपको लगेगा अच्छा है, लेकिन आपका यूज हो रहा होगा वहाँ पर उस तरीके से फिजिकली। और दिसंबर में स्थितियाँ ऐसी हो जाएंगी कि आपको वो व्यक्ति एक अलग ही, बहुत ही नॉर्मल बात करना, बहुत इमोशनल नहीं होना, और अगर आप बहुत इमोशनल बातें शेयर कर रहे हैं तो आपसे एकदम से इरिटेट होकर के बात बंद कर देना, वो स्थितियाँ आप देखेंगे। और दिसंबर होते होते लास्ट में आप ये पहुँचेंगे कि वो एक बार नहीं 100 बार दिन में यही बोल रहा है कि अब बस ये रिश्ता ख़त्म करो, मुझे नहीं रहना, इत्यादि बातें वो कर रहा है, आपसे इरिटेट होकर के आपसे दूर भागने की कोशिश कर रहा है। हालांकि कई कर्क राशि वाले ऐसे भी होते हैं जो अगर अपनी पे आ जाएं तो सामने वाले की खैर नहीं, तो अगर उनमें से आप हैं, आपका मंगल तीव्र है, तो वो व्यक्ति फिर जल्दी से निकल नहीं पाएगा। लेकिन आप बहुत शांत स्वभाव, आप बहुत इमोशनल, केवल दया और हर प्रकार से इमोशंस, प्यार वाली फीलिंग ही रखेंगे, तो आपका फिर कुछ नहीं हो सकता। फिर आप यही देखेंगे कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट जा रही है और वो व्यक्ति बार बार रोज़ रोज़ आपको अभद्रता दिखा करके, गाली गलौज करके, उल्टा सीधा बोल करके आपकी लाइफ से निकलना चाह रहा है, या आपको इस तरीके से जलील कर रहा है जैसे उसकी लाइफ में जो कुछ बुरा हो रहा है वो आप उसके जिम्मेदार हैं। तो उन चीज़ों से आप परेशान भी होंगे, लेकिन आप फिर भी उससे प्यार करते रहेंगे, लेकिन कन्फ्यूज आप होंगे, आपको लगेगा कि यहाँ पर क्या किया जाए, कहाँ जाया जाए, क्योंकि अब कोई और तो है नहीं, कोई मिल नहीं रहा है। इस तरीके की स्थितियाँ भी आपको लगेंगी कि कोई मिल नहीं रहा है, नहीं तो और अच्छा नहीं मिल रहा है, उतना खूबसूरत या उतना अट्रैक्टिव नहीं मिल रहा है, नहीं तो या किसी प्रकार से मन डाइवर्ट हो नहीं रहा है तो छोड़ नहीं पा रहे हैं, उस वजह से आप पड़े रहेंगे पीछे, लेकिन वो दूर भागता रहेगा, यही कंडीशन होने वाली है कुल मिलाकर के देखा जाए तो। फिर आगे बढ़ते हैं और नो कॉन्टैक्ट की बात करते हैं। जो लोग नो कॉन्टैक्ट में चले जाते हैं, नो कॉन्टैक्ट में हैं, उनके लिए स्थितियाँ मंगल और ज़्यादा, वैसे तो मैं ये कहूँगा कि नो कॉन्टैक्ट में जो लोग हैं उनके लिए फिर भी नवंबर का महीना काफ़ी ठीक रहेगा, काफ़ी सही रहेगा, जिसमें कॉन्टैक्ट में आएंगे।
लेकिन जो लोग कॉन्टैक्ट में खुद से आपसे कॉन्टैक्ट करें, मतलब आप उन्हें मैसेज नहीं कर रहे, वो खुद ही आपको कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, तो ज़्यादातर संभावना यही है आठ ग्रहों के समीकरण से, आठ ग्रहों के प्रभाव से, कि वो व्यक्ति आपको केवल और केवल यूज करने आ रहा है। लेकिन स्थितियाँ कई बार ऐसी भी बनेंगी जहाँ आपकी स्थिति ऐसी कि बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है नो कॉन्टैक्ट में, कुछ ही दिन, एक महीना हुआ है नो कॉन्टैक्ट में गए हैं, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी प्रॉब्लम है। लेकिन वो आपसे कॉन्टैक्ट में तब आएगा जब आप उसे मैसेज करेंगे, आप उन्हें कॉल करेंगे, तो कॉन्टैक्ट में आ जाएगा। नवंबर ठीक है, लेकिन दिसंबर में वही एटीट्यूड, वही घमंड, वो आपको फिर से देखने को मिलेगा। आपको शक बहुत होगा 27 दिसंबर तक, आप नवंबर में भी, दिसंबर में उस पर शक बहुत करेंगे। थर्ड पार्टी प्रॉब्लम चीज़ें आप देखेंगे, इस तरीके की चीज़ें महसूस भी आपको होंगी, लेकिन इससे कोई नतीजा नहीं निकलेगा, सिर्फ बहस और झगड़े ही होंगे। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि या तो अपनाए ना थर्ड पार्टी, अगर आपको लगता है तो अपनाए ही ना उस व्यक्ति को, और अपना लिया है तो फिर वहाँ पर एडजस्ट करें, क्योंकि एकदम से ये चीज़ें नहीं बदलने वाली हैं। अगर उसे बदलना है तो दिमाग से बदलिएगा, इमोशंस और ओवर थिंकिंग इन चीज़ों से नहीं बदलेंगे। ओवर थिंकिंग से याद आया कि आप ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करने वाले हैं, नो कॉन्टैक्ट में हो चाहे लव लाइफ में हो चाहे किसी भी तरीके से, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करने वाले हैं नवंबर दिसंबर में। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मैरिड लाइफ की। मैरिड लाइफ में आपके पार्टनर से आपको काफ़ी प्यार मिलेगा, लेकिन आपके पार्टनर की फैमिली, खास करके महिला अगर आप हैं, तो आपके पार्टनर की फैमिली थोड़ा सा रौब दिखाएगी, उस तरीके का एटीट्यूड और वो बिहेवियर आपको पसंद नहीं आएगा। लेकिन अगर आप अपने हस्बैंड से वो शिकायतें करेंगे या वो अपने उनके पेरेंट्स के प्रति, उनके फैमिली के प्रति कुछ भी कहेंगे, तो इसको वो गलत वे में ले जाएंगे और आपको ही समझाएंगे या सुनाएंगे। तो किसी भी तरीके से कोई शिकायत ना करें और ये समय निकालें, वैसे फिर भी मैरिड लाइफ आपकी ठीक रहेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, दोनों महीने ही आपके लिए ठीक रहेंगे, लेकिन फिजिकल रिलेशन और फिजिकल सुख के लिए, बेड सुख के लिए आपको दिसंबर ज़्यादा बेहतर माना जाएगा। नवंबर में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेंगी, हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें भी आपको देखने को मिले जिससे आपको वो प्यार, वो फीलिंग्स नज़र ना आए, लेकिन दिसंबर बहुत बेस्ट है। फिर आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में सबसे ज़्यादा स्थितियाँ जो बेहतर बनेंगी वो नवंबर में बनेंगी। नवंबर में आपको हर तरीके से आपके पार्टनर आपकी बात मानेंगे, एक्सेप्ट आपको इमोशंस भी देंगे और फीलिंग्स भी देंगे, और आपका घूमना फिरना भी बहुत होगा, लंबी यात्रा भी होंगी, और शारीरिक सुख की स्थिति भी बनेगी। लेकिन दिसंबर बहुत बेहद ख़राब है। दिसंबर में आपको हर प्रकार से पार्टनर का बिहेवियर चेंज होता हुआ दिखेगा, दिसंबर में वो भागता हुआ दिखेगा, और आपके साथ एक बहुत बड़ा धोखा हो गया है, बहुत बड़ी चीटिंग हो गई है, ये भी आपको महसूस होगी। अगर बहुत सीरियस हो गए हैं उस व्यक्ति के लिए और चाहते हैं कि वो शादी करे आपको, आपसे, या आपके आपके लिए किसी को छोड़ दे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और अगर आप महिला हैं और आपसे एज से कम व्यक्ति छोटा है और वो उससे आप उम्मीद करते हैं कि वो व्यक्ति, आप अपने हस्बैंड से डाइवोर्स लेकर के आप, वो व्यक्ति आपसे शादी कर लेगा, आप उससे, आप उसके चक्कर में अपने हस्बैंड को छोड़ दें, ये सबसे बड़ी मूर्खता हो जाएगी आपके लिए। अगर ऐसा कर दिया है तो आप बहुत रोने वाले हैं, बहुत पछताने वाले हैं, क्योंकि आपके साथ वास्तव में बहुत बड़ा धोखा होने वाला है, वो व्यक्ति कहीं और शादी करने वाला है। अब हम बात करते हैं उन तीन राशियों की। चलिए, इन तीन राशियों के नाम ना हम कमेंट बॉक्स में दे देंगे, कमेंट बॉक्स में आप पढ़ लीजिएगा। क्यों नहीं देंगे, यहाँ पर वीडियो में दे देते हैं। कई लोग जो है ऊपर से ही वीडियो देखते हैं और वीडियो पर क्लिक नहीं करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप क्लिक करें वीडियो और वीडियो लाइक करें। जब क्लिक करेंगे तभी लाइक कर पाएंगे। तो मैं ये चाहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जय श्री राधे जरूर लिखें और वो रीड करें तीनों राशियों के नाम। अगर उन तीन राशियों के पार्टनर आपके होते हैं तो आपके लिए महीना लकी बन जाएगा। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और 2024 का राशिफल देखने के लिए तुरंत ही सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।